बस्ती में सीटों से संबंध मिड डे मील रसोईया कर्मचारी यूनियन की मंडल स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। हाँ कॉमरेड, आप बस्ती आई थी मिड डे मील रसोईया कर्मचारी यूनियन की मंडल स्तरीय बैठक को संबोधित करने, क्या देखा आपने? बैठक कैसी रही, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? बैठक अच्छी रही और हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि एक तो 8 महीने से मानदेय नहीं आ रहा है रसोईयों का। पहले भी मानदेय नहीं आ रहा था, हमने आंदोलन किया तो 2 महीने का आया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, रेगुलर मानदेय ना आना, जिसमें हमारा आंदोलन चल रहा है संगठन को मजबूत करने की बात हुई। और मुख्य रूप से हमारा कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है इलेक्शन के टाइम कि 500 रुपये महीना उन्होंने बढ़ाया है, उनके 2 साड़ी देंगे और एप्रन देंगे और कैप देंगे, इसका पैसा देंगे, इसका अभी तक शासनादेश भी जारी नहीं किया है, जबकि जो वादे इन्होंने और वर्कर से किए थे उनके शासनादेश जारी हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी रसोइयों से किया हुआ अपना वादा निभाए, इसको लेकर के हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में हम जो चंद्रावती केस में न्यूनतम मजदूरी देने का हाईकोर्ट का निर्णय है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको लागू करे। और जो नाम बदला है स्कीम, मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना किया गया है, हमने इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये निजीकरण की एक साजिश है। नाम बदलने के बाद मिड डे मील स्कीम नाम बहुत पॉपुलर भी था और इससे सीधा पता चलता है कि इसमें मिड डे मील बच्चों को देना है, ताजा बना भोजन। लेकिन जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना है उसके पीछे सरकार की ये साजिश। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोटा में हिट एंड रन केस में मंत्री धारीवाल का बड़ा बयान सामने आया और विवादित बयानों के चलते अक्सर रहते हैं नजरों में। कहा, लोग फुटपाथ पर सोते हैं तो उनकी गलती है, रैन बसोरों में जाएं, आप पुलिस उठाकर नहीं ले जा सकती। कोटा सुल्तानपुर में अंबुजा सीमेंट कंपनी का सामाजिक सरोकार, पुलिस थानों में बैरिकेड्स किए सप्रेम भेंट। सवाईमाधोपुर में कलेक्टर रोड स्थित गणेश नगर बी में दिन दहाड़े पशुओं के बाड़े में लगी आग। सवाईमाधोपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें समाज को सुदृढ़ बनाने का दिया गया बल।